आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। रामगढ़ताल थाने की पुलिस व एसओजी की संयुक्त टीम ने अवैध गांजा के साथ एक अभियुक्त राहुल जायसवाल को किया गिरफ्तार। 25 किलो 250 ग्राम अवैध गांजा किया बरामद। एसपी सिटी ने किया खुलासा। अगस्त को गोरखपुर विश्वविद्यालय कैंपस में तोड़फोड़, आगजनी व हवाई फायरिंग करने वाले एक अभियुक्त अजय कुमार को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के प्रथम स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज एवं राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैध नाथ जी महाराज स्मृति सप्त दिवसीय व्याख्यान माला के चौथे दिन प्रोफेसर हिमांशु चतुर्वेदी ने कहा, ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ सन्यासियों ने किया था पहला प्रतिरोध। नाथपंथी संतों, दसनामी व नागा साधुओं की प्रतिरोध में थी बड़ी भूमिका। झूलेलाल मंदिर से महानगर में निकाली गई भगवान झूलेलाल की भव्य शोभा यात्रा। भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष व एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने शोभा यात्रा को झंडी दिखाकर किया रवाना। भारी संख्या में नागरिक शोभा यात्रा में हुए शामिल। पिता पुत्र के बीच घर के छत पर आपस में हुई कहा सुनी। धक्का मुक्की के दौरान दोनों गिरे छत से नीचे, दोनों हुए घायल। पिता के सिर में लगी गंभीर चोटें, हालत गंभीर। पुत्री ने दर्ज कराया मुकदमा। सीओ कोतवाली रत्नेश्वर सिंह ने कहा, मुकदमा दर्ज कर की जा रही है आगे की विधिक कार्यवाही। ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ की स्मृति में सप्त दिवसीय व्याख्यान माला का दिग्विजय नाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय में गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया शुभारंभ। कहा, मात्र संत नहीं थे ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ, शिक्षा के प्रति भी थे समर्पित। पूर्वोत्तर रेलवे प्रमोटी अधिकारी संघ NERPOA के तत्वावधान में भारतीय रेल प्रमोटी अधिकारी महासंघ IRPOF की कार्यकारी समिति की दो दिवसीय बैठक हुई प्रारंभ। कहा, अपने दीर्घकालीन अनुभव की बदौलत प्रमोटी अधिकारी किसी भी कार्य को बड़ी ही कुशलता से संपादित करने में होते हैं सक्षम। पुलिस ऑफिस परिसर का SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने किया निरीक्षण। परिसर में साफ सफाई के साथ फरियादियों के बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित कराने के लिए संबंधित अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। और विश्व हिंदू परिषद महानगर द्वारा मनाया गया विश्व हिंदू परिषद का स्थापना दिवस। केंद्रीय संगठन मंत्री विनायक राव देशपांडे ने कहा, जो जिस भाषा में समझे उनको उन्हीं की समझने वाली भाषा में जवाब देने से ही होगी धर्म की स्थापना।